बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैं इंडिया से मोहम्मद जीशान बात कर रहा हूँ। हजरत जी, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आपके इल्म में, उम्र में, हिल्म में, सब में बरकत अता फरमाए। हजरत जी, मैं ये चाहता हूँ कि लोग बाग आजकल फजाइल अमाल की पे एतराज़ात उठाते हैं। हजरत मौलाना शेख मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। हजरत जी कहते हैं फजाइल अमाल में फला चीज़ गलत है, फला गलत है। आपसे दरख्वास्त है कि आप उनका मुंह तोड़ जवाब उनको दे दीजिए, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए। हजरत जी जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, पहली वीडियो कॉल ही जबरदस्त आ गई। मुंह तोड़ जो है वो कॉल आ गई भाई। ये मुंह तोड़ जवाब तो कुतुबुल आलम हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे दादा पीर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुंह तोड़ जवाब फजाइल आमाल में दे के गए ऑलरेडी। ये तो उनकी करामत है, वो पहले से जवाब दे गए। पहले से जवाब देने का मतलब यह है कि आपको पता है जब फजाइल आमाल शुरू हो रही है तो उसी में उन्होंने सारी उन किताबों के हवाले दे दिए हैं कि जो जो वाकया, जो जो अहवाल इसके अंदर नकल हो रही, ये वो किताबें हैं, इन इन किताबों से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। सारी किताबें वहाँ उन्होंने पहले से नकल कर दी हैं कि अगर किसी माई के लाल को एतराज़ हो तो किताब पे पहले एतराज़ करे। वो इमाम गजाली के एहया उलूम है, तो माई का लाल पहले वो चैलेंज करे एहया उलूम को। वो एहया उलूम, वो जो माई का लाल है तो वह अलामा सुयूती की शमाइल या खसाइल कुबरा पर एतराज़ करे, को माई का लाल सुने बैकी पर। तो वो तो पहले पूरी किताबों की फरिश देंगे। आप फजाइल अमाल उठा के देखें, किताबों की फरिश मौजूद है। तो फजाइल अमाल के अंदर तो हजरत जो है की करामत है कि मैं क्या करता हूँ, पहले से मुंह तोड़ जवाब दे गए। ये तो मेरी और आपकी लाइलमी है कि हम वो रेफरेंसेस को देखते नहीं और घबरा जाते हैं कि यार अच्छा ये वाकया मन घड़ा था, इसका तो हवाला ही नहीं। वो हवाला शुरू में दे गए सारे। तो लिहाजा आपकी बात का बेहतरीन जवाब यही है, आज ही आप फजाइल अमल खोलें, जहाँ हजरत वो पूरा मुकदमा लिख रहे हैं वहाँ हजरत सारी किताबों का हवाला दे दिया है। तो माशाल्लाह हजरत की करामत है कि मुंह तोड़ जवाब दे गए। अब अगर किसी को एतराज़ हो तो उस किताब पर एतराज़ करे, उस किताब को चैलेंज करे, फिर उसका जवाब हम देंगे। हजरत शेख की शख्सियत पर उसको एतराज़ करने का हक नहीं पहुँचता, क्योंकि वो रेफरेंस आपको पेश कर रहे हैं। जब रेफरेंस पेश कर दिया, मतलब अगर किसी हदीस का रेफरेंस उन्होंने पेश कर दिया, सुनन बहकी पर कह दिया, अब सुनन बहकी पर आप एतराज़ करें, सुनन बहकी को हदीस को आप देखें, उस पर बहस करें, उसको फिर उसूल हदीस के मुताबिक उसको कंडेम करें, उसको जो है वो आप मुनकर साबित करें, फिर आप पता चलेगा ना। अब एहया उलूम का हवाला दे दिया इमाम गजाली का, आप एहया उलूम पर एतराज़ करें, कीमिया सादत पर एतराज़ करें, और फिर साबित करें कि आपके एतराज़ में जान है। और अभी तक तो ऐसा कोई माई का लाल अल्हम्दुलिल्लाह पैदा नहीं हुआ कि जिसमें इतनी जान है कि जो वो इन किताबों के ऊपर जो है वो एतराज़ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अथेंटिक और मजबूत किताबें हैं। जब उस पर एतराज़ करेगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अव्वल तो उसको ताब ही नहीं उन किताबों पर एतराज़ करने की। असल में फजाइल अमाल के बारे में आप घबराया ना करें, वो उनको जो मुंह तोड़ जवाब ऑलरेडी दे गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पेट से कोई बात नहीं की, सब रेफरेंसेस के साथ बात की है। तो जब रेफरेंसेस के साथ बात आती है तो बहस रेफरेंस पर होती है, उस बंदे पर नहीं होती। तो लिहाजा रेफरेंस को आप कंडेम साबित करें तो फिर आगे बोलें, वरना फिर ये चुप करके माने, वरना खामोशी से अपना रास्ता नापें। बहुत शुक्रिया सर।